यूपी में सोमवार को उपचुनाव को लेकर मतदान संपन्न हो गया है। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि सपा सरकार में सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग हुआ था। हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक श्रीवास्तव ने सांसद सुब्रत पाठक से खास बातचीत किया है, सुनाते हैं आपको। मैं हमारे साथ में कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी, उनसे बात करते हैं कि जो उपचुनाव हैं उसमें क्या उम्मीदें होने वाली हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे। सुब्रत पाठक जी एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, सर क्या कहेंगे? नहीं देखो, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र कौन नहीं जानता है। सन 2004 का लोकसभा का चुनाव हो, जब स्वयं अखिलेश जी के पिताजी मुख्यमंत्री थे, या 2014 का चुनाव हो लोकसभा का जिसमें स्वयं अखिलेश मुख्यमंत्री थे, इन दोनों चुनावों में किस तरीके से लोकतंत्र की गुंडा और सत्ता के गठजोड़ के साथ में लोकतंत्र की हत्या की गई थी, लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए थे। और फिरोजाबाद में तो आपने देखा था किस प्रकार का नंगा नाच हुआ था, लोग घायल थे और किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार हुए थे, गुंडों ने अत्याचार किए थे, पुलिस ने नहीं किए थे। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस को जिस प्रकार से ये नचाते थे, आज समझ रहे हैं कि पुलिस उसी प्रकार से नाच रही है। ये थे सुब्रत पाठक, जिनका कहना साफ है कि समाजवादी पार्टी जो है वो अपने जीत के हाथ, यानी जीत की संभावनाएं कम देखते हुए वो इस बात को स्पष्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं ईवीएम उनका टारगेट है और समाजवादी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, एमकेएन न्यूज़, लखनऊ।